नमस्ते, जय शंकर, अस्सलाम वालेकुम। मैं शंकरलाल वाधवानी, चेयरमैन आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत। मैं अभी इस वक्त मिट्टी शहर में हूं और ये जो हमारे मंदिर को शहीद किया गया है, मैं इस मौके पे यहां आया हूं और यहां की जो मैं कम्युनिटी से मिला हूं और अपने जो है लीगल एक्टिविटी और लीगल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक देख रहा हूं कि ये मंदिर जो है अपनी जगह पे लीगल है, सही है, और नाम लिया जा रहा है हाई कोर्ट के ऊपर। तो बराए मेहरबानी हाई कोर्ट के ऊपर नाम नहीं ली जाए, क्योंकि वो कानूनी इदारा है, कानून के ऊपर नाम नहीं ली जाए। और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हाई कोर्ट सिंध से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध से और अपना आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब से और अपने एहसास इदारे से ये गुजारिश करूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इसके ऊपर जो है सही तरीके से इसकी जो है जांच की जाए। अगर ये मंदिर गलत है, गलत जगह पे बना हुआ है, तो हम खुद इस मंदिर को जो है कहीं और लेकर जाएंगे। अगर ये मंदिर सही जगह पे है तो इसको बनाया जाए, और जिसकी जगह इल्लीगल बनी हुई है फिर उस जगह को तोड़ा जाए, क्योंकि ये अपनी अना के चक्रों में मंदिर को जो है हम ये जो है शहीद होने नहीं देंगे। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क को जो है ये लोग बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के जो ऊपर आ रही है कि भाई हिंदुओं के साथ, क्योंकि हमारे दुश्मनों को जो है मौका मिल रहा है। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे दुश्मनों को मौका नहीं दे, और मैं जनाब आसिफ बाजवा आसिफ मुनीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आर्मी चीफ हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत पूरी कम्युनिटी की जानिब से कि आप जो है इसके ऊपर GIT बिठाएं और इसकी इंक्वायरी करवा दें, क्योंकि यहाँ पर माल चल रहा है और जो है इसके ऊपर जो है बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसमें हमारी कम्युनिटी काबिले बर्दाश्त है। अब अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं पूरे पाकिस्तान में, जैसे हमारे हिंदुओं को उठाया गया था, हमने पूरे पाकिस्तान में जो है रोड बंद किया था, मजबूरन मुझे इसकी जगह पे ये काम करना पड़ेगा आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत फिर हर जगह धरना देगी, जिसमें मिट्टी, लाड़काना, शिकारपुर, कंदकोट, हैदराबाद, कराची, फिर हम हर कराची प्रेस क्लब के और जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो जाएंगे और कोर कमांडर के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। अगर आप लोग हमें इंसाफ नहीं दोगे तो हमें कहाँ जाएं, आप मुझे बताएं, हमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएं? हम तो अपनी धरती के लिए बैठे हुए हैं, हम अपनी धरती की जगह मांग रहे हैं, हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया है। ये डॉक्यूमेंट देखें, मुख्तियार कार पहले बोल रहा एक जगह, अब दूसरी, ये मुख्तियार कार ने पूरी रिपोर्ट दे दी, ये एक जगह बोल रहा ये मंदिर की जगह है, ये मंदिर के नाम पे ही अनाउंसमेंट हुई है। जब मंदिर के नाम पे ही अलॉटमेंट है तो फिर कहाँ से आ गए ये लोग, भाई ये कब्जा है, ये यूं है, ये यूं है, ये मुख्तियार कार का लेटर है। फिर गलत बयानी करके वकील साहब जो है, अब मैं वकीलों को, मैं कराची बार एसोसिएशन के सदर को और सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप जो है आप भी बाहर निकलो और इसका जो है लाइसेंस कैंसिल करो, क्योंकि ये आपका नाम भी खराब कर रहे हैं। वकालत वकील हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और हमारे साथ जो है शाना बशाना चलने वाले हैं। ये एक शख्स जो है पूरी वकालत को जो है बदनाम कर रहा है। मैं इस बात पे सबसे माजरा चाहूंगा कि सर आप लोगों को भी उठना है, कराची बार एसोसिएशन के सदर को, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन सदर को, सिटी कोर्ट के बार एसोसिएशन सदर को मैं ये गुजारिश करूंगा कि सर आप भी इसके ऊपर एक्शन उठाएं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इसके ऊपर एक्शन उठाएं, वरना हम हर जगह एहतजाज करेंगे। अगर आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम हिंदू नासूर हैं, तो आप एक काम कर दें, जैसे आपने अगवानियों को निकाल के टाइम दिया था वैसे हमें टाइम दे दें, हम अपने जो है अपने दुश्मन के मुल्क चले जाते हैं इंडिया में, तो और क्या करें। जब हम अपने मुल्क के अंदर रहकर भी हम महफूज नहीं हैं तो हम कहाँ जाएंगे। ये धरती माँ हमारी है, ये पैदावार हम इस धरती माँ के हैं, या तो हम मरेंगे या तो हम जिएंगे, या तो हमें मार दो इसी धरती के अंदर दफना दो तो हमें मंजूर है, या तो हमें दुश्मनों के आगे भेज दो, वो आपके ऊपर है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मौके को सीरियसली और जल्द से जल्द जो है हल किया जाए। शुक्रिया।